अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे पेड़े, वो भी मिल्क पाउडर से, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। इसके लिए सबसे पहले हमें 1.5 कप खुश दूध का पाउडर चाहिए। मैं यहाँ पे नीडो का फुल फैट मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1.5 कप। अब हम इसमें फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे 1/2 कप, और अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड पर रखेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, कोई भी नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर कोई भी बर्तन ले लें जो कि नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें हम 2 खाने के चम्मच घी गर्म करेंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल घी यूज़ कर रही हूँ। इसे हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस इतना गर्म करेंगे कि पिघलना शुरू हो जाए। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क का 1 टिन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप होममेड भी बना सकती हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हीट फ्लेम हमारा लो टू मीडियम होना चाहिए। अब हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे जो कि हमने ड्राई मिल्क पाउडर और फ्रेश मिल्क का बनाया था, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करते जाना है, फ्लेम आपने लो पर रखनी है। अब हम इसमें ज़ाफ़रान मिला दूध ऐड करेंगे। चुटकी भर ज़ाफ़रान को हम 1 टेबल स्पून दूध में घोल कर रख लेंगे, और इसे हम इसी में ऐड करके मिक्स करेंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे, याद रखें कि फ्लेम हमारा लो टू मीडियम होना चाहिए, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि ये हलवे की तरह बिल्कुल बीच में सिमट कर आ जाए, इस तरह। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। ये इतना ठंडा होना चाहिए कि हाथ लगाने पर आपका हाथ इससे जलन महसूस ना करें, यानी कि हाथ लगाने से ये आपको थोड़ा गर्म ही लगे, लेकिन स्टिल आप इसे हाथ में लेकर इसके पेड़े बना सकती हैं। तो इस तरह हम हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल या फिर घी की मदद से। पिघला हुआ घी लें, हाथों पर लगाएं, और छोटे या बड़े इस तरह आप पेड़े बना लें। बीच में आप बादाम या पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो तो आप लगा कर साइड पर रखते जाएँ। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। और जो थोड़े पेड़े हैं तो इसको मैं जो बारीक पिसी हुई चीनी है इसमें इस तरह करके डिप कर रही हूँ। अच्छे से मैंने इसमें कोट कर लिया है, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप इस तरह इसे बारीक चीनी में कोट करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये हमारे पेड़े तैयार हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और झटपट तरीके से बनने वाले पेड़े। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसे आप अच्छी तरह से ठंडा करके सर्व करें, बहुत ही लजीज पेड़े तैयार होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।